तो कल हम प्रिविजन कर रहे थे, प्रिविजन ले लेते हैं या टेक्सटाइल मोशन है ना। स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर हम किसी पार्टिकल को है ना, अगर हम किसी पार्टिकल को किसी सर्टेन एंगल पे आप इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी देके आप इसको थ्रो कर देते हैं है ना, देन इट विल कवर अ ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइक पैराबोला है ना, एंड दिस होल प्रोसेस इज दिस होल मोशन वी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। Suppose we throw a particle by giving its initial velocity u है ना at angle theta, okay? और हमने इसको देखा था इसके component form में, हमने इसको derive किया, तो horizontal motion इसका जो होगा that is u cos theta, vertical motion will be u sin theta, okay? और जो आपका जो vector है आपके इस normal and tangential जो आपके ये vector है वो कुछ इस तरीके से diagram में मैंने show करके दिखाए थे। रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम अपना ये डेरिवेशन कर रहे थे, तो उसमें हमारा एक तो ये इंफॉर्मेशन था कि अवर इनिशियल वेलोसिटी का हमें आइडिया था जो कि हमने डिफाइन करा था, और एक एक्सेलेरेशन का आइडिया था, दो बातों का हमें इसमें आइडिया था। ओके, तो आगे हम बढ़े, तो इसमें हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी की, जिसमें अपनी इक्वेशन ux + ax को डिफाइन किया, जहाँ से हमको ux का आइडिया मिल गया और vx का आइडिया और t का x का बेसिकली आइडिया मिल गया। x इज योर ut cos थीटा। नेक्स्ट अब हम वर्टिकल की स्टडी की, यहाँ से हमको एक्चुअल में vy और के बेसिस पे हमने ये एक तो y की इक्वेशन में मिली और एक वेलोसिटी की यानी vy की इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने यूज किया फॉर कैलकुलेटिंग अवर योर टोटल डिस्टेंस है ना, कर रहे थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था इसका यूजिंग अवर दिस इक्वेशन, कितना टाइम उसको लगा लास्ट पी तक पहुंचने में ना? ओके, तो हमने ये देखा था इस टाइम ऑफ फ्लाइट में कि भाई आपका पार्टिकल जब ओरिजिन से स्टार्ट किया और ये मूव करके आपका इंटरसेक्ट किया बी पॉइंट पे, तो ये टोटल टाइम लिया एट दैट मोमेंट व्हेन योर पार्टिकल हिट द पॉइंट बी, योर वाई इज जीरो, वाई इज जीरो। सो इन दिस इक्वेशन वी हैव पुट आवर वैल्यू इज जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया, एंड फ्रॉम हियर वी टेक कॉमन टी, टेक कॉमन टी फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ टी, द फर्स्ट वन इज टी इज इक्वल टू जीरो, एंड द अदर वन हमको मिला दैट इज टी इज इक्वल टू टी यू टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय G. Okay, that's our actual total time period. This is defined as our total time of flight. Total time of flight. Okay. So ये हो गया आपका time of flight. अब हम आगे इसमें study करने वाले हैं our range. What's the range? Range का मतलब है the total distance. अब मैं कितना आपका ये particle आपका ये cover करेगा है ना? हम आगे लिखते हैं नाउ द रेंज ओके, तो रेंज हम स्टार्ट करते हैं। तो रेंज के लिए हमें पता है कि हम एक अपना फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस पे, यानी हमें ये निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका ओरिजिन से लेके बी तक का, ये आपका कितना कवर, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, इक्वेशन ऑफ ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन का हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, वो कितना था एक्स इज इक्वल टू वी कॉस यू यू कॉस थीटा, u cos theta, ये तो आपके velocity हो गई, u cos theta into
टी है ना, ये सिंपल इक्वेशन है, आप वैसे भी देख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है ना। कि अब आपका वेलोसिटी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आप देखें, ये खास बात है कि आपने जब प्रोजेक्टाइल मुझे वो किया था हमने, तो इसमें दो बातें थी, तो आपका ये वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी हो गया, तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ योर वेलोसिटी दैट इज u sin theta and the vertical horizontal velocity is u cos theta. So the very important thing is this, ki horizontal motion ke liye aapka dekhiye ye wala velocity contribute karta hai, ye wala hai na, to ye particular velocity hame ye kaam aayega, which is our u cos theta hai na. So aur yahan pe time, ab kitna time hai, ab ye baat thi to hum nikal chuke hain, yani ab hame o se b tak jana hai, then the your t is your total time of flight. ठीक हो गया, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज u cos थीटा इनटू t, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t, द टोटल वैल्यू ऑफ t हम इसे पुट करते हैं, तो ये हो गया आपका u 2 u cos थीटा 2 u sin थीटा ओवर i जी, तो आप हो गया क्या, अगर कोल्ड हो गया है नहीं, हाँ हाँ ठंड काफी है जी है ना, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा, देखें u स्क्वायर इनटू टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। This is expression of sine theta into cos theta, ये हमारा किस चीज का expression है? This is expression of sine to theta, हम इस form में लिख सकते हैं। तो ये इस formula का बहुत use होता है, sine theta into cos theta. Cos theta. ना? आपको मालूम है ना? हाँ हाँ. ना sine a plus b के form से हम इसको निकाल लेते हैं। ना? ये आपका हो गया, इट्स u स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, दिस इज द मैक्सिमम योर मैक्सिमम डिस्टेंस आल्सो डिफाइंड एज इज रेंज, योर रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर, ठीक है। तो हमारा ये हमने इक्वेशन, तीन पॉइंट हमें निकालने था, हमने टाइम पीरियड कल निकाल लिया, रेंज अभी हमने देख लिया, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज द मैक्सिमम हाइट, यानी वो कितना आपका हाइट आपका ये कवर कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू कैलकुलेट इज योर मैक्सिमम हाइट हाइट रीच, ठीक है। तो फ्रॉम दिस फिगर अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, अब भी इसको देखो, तो मैक्सिमम हाइट मतलब आपका, तो पॉइंट है कि ये दो बातें यहाँ पे समझ में आती हैं, एक तो इस पे आपका दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे that will finish at your peak value, peak पे आपका finish हो जाएगा। And second point, एक और बात यहाँ पे समझ में आती है कि आपका time period जो आपका निकलेगा that will half of your original time of flight, है ना? Time period में आपका half हो जाएगा, then we can start from our equation of your, देखते हैं time period half हो जाता है, ये तो आपने assume किया, मतलब आपको पता चल गया, but हम mathematically इसको कैसे निकालें, how we calculate mathematically? तो अपना इक्वेशन हम y एक्सिस का लेके चलते हैं, विच इज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई है ना, एंड योर माइनस वी टी इज अवर इक्वेशन, इसको हम लिखते हैं, एंड व्हाट इज अवर वी वाई, यानी वी वाई यू वाई, यू वाई इज योर यू साइन थीटा, ये हो गया आपका यू साइन थीटा माइनस का जी एंड टी, ठीक है। अब हमें हाफ टाइम निकालना है, तो हम ये टी लेके चलते हैं, एंड व्हाट इज योर वी वाई मैक्सिमम हाइट, वी वाई कितना होगा,
मैक्स ये आप एट मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू 0 एग्जैक्टली vy इज इक्वल टू 0 फॉर योर मैक्सिमम हाइट सो वी कैन पुट हियर मैक्सिमम हाइट 0 सो वी गेट gt इज इक्वल टू माइनस का gt इज इक्वल टू माइनस का u sin थीटा फ्रॉम हियर यू विल गेट t u sin थीटा ओवर t जो टाइम है ना मैथमेटिकली निकाल लिया कि भाई आपका कितना टाइम होगा ठीक है नाउ अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट के लिए हम अपना चूंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है दिस इज डिस्टेंस वी आल्सो कैलकुलेट दिस डिस्टेंस सो फॉर दिस डिस्टेंस वी using the equation of our y-axis का जो equation है यानी y को निकालने के लिए जो equation of motion that is y is equals to ना हो गया आपका vyt minus half of gt square ठीक है ये point है इसमें अब हम अपना ये v when is uy ठीक है ठीक कर लिया y is equals to uyt minus half gt और इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं द मैक्सिमम वैल्यू इज वी चूज एज कैपिटल एच तो दिस इज डिफाइंड एज कैपिटल एच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा यू साइन थीटा माइनस का हाफ ऑफ जी इनटू वैल्यू पुट कर दें टी की दैट इज यू साइन थीटा बाय जी का होल ठीक है इसी कैलकुलेशन करनी है दैट इज यूटी या एक मिनट यहाँ पे टी का एक और फंक्शन यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी वैल्यू पुट करनी होगी टी यू साइन थीटा इनटू यू साइन थीटा बाय टी माइनस वन बाय टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर इनटू अगेन जी ये वाला जी है ना हमारा एक जी रिमूव हो गया और यहाँ से हमको तो जी अपॉन में एक ही रहेगा तो यहाँ से हमको मिल रहा है दैट इज अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस यू स्क्वायर साइन फाइव ठीक है फाइनली यू विल गेट कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको 2u square sin square theta by g. U square sin square theta by 2g I think. हाँ by 2g. So this is the maximum height covered by maximum height reached by the particle time total time t by 2. Okay. ये हो गया आपका height आपका total. हमने तीन डिस्कस की एक तो आपने हमने हाइट का एक्सप्रेशन देख लिया और उसका एनालाइज कर लेता हूं मैं अपना डेरिवेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना ये आपका एक तो हमने देख लिया कि टोटल आपका टाइम कितना इसने लिया है ना ये टोटल सबसे पहले हमने देखा टोटल टाइम कवर्ड बाय फ्लाइट यानी t इज इक्वल्स टू u इट्स 2u sin थीटा पहला पॉइंट एंड सेकंड टोटल ये कितना हो गया रेंज कितना कैलकुलेट इट से u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g तो इस पे प्रॉब्लम आपका काफी आता है तो इस पे आप है ना इसको इनको थोड़ा याद रखना यूजफुल होता है एंड द फाइनल वन इज योर h h कितना हो गया आपका अभी मैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g तो इन तीनों में देखिए sin का फंक्शन है इसमें आपका sin थीटा है इसमें sin 2 थीटा है इसमें sin स्क्वायर थीटा है ना और इस तरीके का हमारा द होल रिलेशन बेस्ड ऑन टोटल आर एच ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं इट डिपेंड्स ऑन एंगल एक तो एंगल पे और आपका इनिशियल वेलोसिटी पे एंड एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तीन बातों पे ये अगर देखें बहुत ही मतलब तीन ही चीजें हमें स्टार्टिंग में भी पता थी क्या क्या पता था एंगल के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया था ना यू का आइडिया था और हमें ए का आइडिया था ऑफ योर वाई विच इज माइनस
तीन पॉइंट लेके चले, यानी तीनों पॉइंट का रिलेशन हमारा एक टोटल टाइम रेंज और हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। छोटा एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ये हमारा हमारा और बेटर हो जाएगा कि किस टाइप के इसमें न्यूमेरिकल बन सकते हैं, है ना। तो एक इसमें हम न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट बचा है दैट्स अवर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें बचा है, वो हम थोड़ा सा करके फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हम करते हैं, फुटबॉल फुटबॉल इज किक्ड विद अ वेलोसिटी of 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड हमें निकालना है, फाइंड पॉइंट ए, इट्स फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल, टाइम टेकन बाय द बॉल, टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितना इसका मैं टाइम पीरियड, टाइम कितना रहा फ्लाइट, टाइम फ्लाइट ग्राउंड, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट हमें इसका करोगे ना, फाइट हाइट ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड, how far away from the kick does it hit the ground, ठीक है। एनीवे हमें तीनों चीज निकालनी है, तीनों चीज हमने अभी डिराइव किए, इसे करके हमें ये तीनों निकालनी है ना, बस सिंपल फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं, एंगल भी हमें पता है, तीनों को एक बार निकाले तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो गला बहुत ज्यादा खराब हो गया। पार्टिकल है टाइम, पार्टिकल टाइम टेकन है टू इनटू रूट टू सेकंड्स, करेक्ट है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर ले, इजी है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन वेरी इजी, 45 का भी वैल्यू आपको आईडिया, इट्स
वन बाई रूट टू है ना। तो इसके बाद मैक्सिमम हाइट 10 meters। ओके हाँ वो भी ठीक है, ठीक है इस तरह निकाल लें। फिर उसके बाद रेंज 40 meters। ठीक है रेंज 40 meter। तो तीनों पार्ट आपने निकाल के देख लिए एक एक बार, आपका इन प्रॉब्लम का आपका प्रैक्टिस हो गया है ना। ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ फ्रेम पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर मैंने बात किया था कि इससे काइंड ऑफ कि एक फ्रेम है आपका, सपोज एक फ्रेम है जिसमें आपका एक फ्रेम हम चूज कर रहे हैं, फ्रेम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v1, सपोज एक फ्रेम हमने चूज किया, फ्रेम आपका मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट अब फ्रेम के इनसाइड हम एक और फ्रेम चूज कर लेते हैं, सपोज वी चूज अनदर फ्रेम इनसाइड दिस फ्रेम व्हिच इज आल्सो मूविंग विद सम वेलोसिटी, हां ये आपका इसके अंदर भी हम एक फ्रेम चूज कर लेते हैं दैट्स आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इन दोनों वेलोसिटी में जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड बाय रिलेटिव वी हम। तो आपका ये वेलोसिटी का v है और इसका वेलोसिटी अनदर इस फ्रेम रिलेटिव वेलोसिटी इसको जो फील होगा सेकंड वाले फ्रेम का व्हाट इज द वेलोसिटी ऑब्जर्वर एट रेस्ट विल सी है ना। तो उसको कितना वेलोसिटी एग्जैक्टली किसी तरीके का ऐसा हमने बनाया कि ये ट्रेन मूव कर रहा है ना, इट हैज सम वेलोसिटी, मान लीजिए इसका वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, आवर की बजाय हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, चलो मीटर पर सेकंड हमने ले लिया। अब इसके अंदर एक पर्सन ने बॉल फेंका व्हिच हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो 60 मीटर पर सेकंड। और यानी अर्थ यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई, उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। इसको गैलीली ने इसको स्टडी किया था है ना, उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बनाया था है ना। तो उसके बाद इसी फॉर्मूले को, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है तो मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को बाद में इम्प्रूव किया था आइंस्टाइन ने, क्योंकि ये हमेशा बात सच नहीं रहती, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसी चीज को विजुलाइज किया कि रिलेटिव वेलोसिटी में कि मान लीजिए आपका एक एक फ्रेम है ना जो कि आपका मूव कर रहा है दैट्स मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर किसी ने लाइट का टॉर्च ऑन कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट यू नो व्हाट इज कॉन्स्टेंट सी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए था c + 50। लेकिन वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि मैक्सिमम
वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. सो यहां पे ये लॉ रिलेटिव वेलोसिटी का फेल कर जा गया था. तब आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था सम ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये बोलते हैं, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कांसेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था कि उस केस में क्या होगा जब आपका फ्रेम मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट. इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का कांसेप्ट. जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का गैलिलियो ने दिया था, देन ए कांसेप्ट केम व्हिच वी डिफाइन एज रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, है ना, जो कि आपका आई थिंक 12th ग्रेड में एक चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेगा, है ना, ये बात हो गई. ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी को एक कुछ कॉन्सेप्ट इसके लर्न करते हैं कि कैसे इस पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम आता है, कैसे हम इसको तो इसको हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. थोड़ा फिर से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, तो मैंने तो इसके बारे में ये है कि मान लीजिए आपका कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज मूविंग ना विच इज ए, है ना, विच हैज ए वेलोसिटी वी ए. ठीक है, विच इज द वेलोसिटी, विच इज वेलोसिटी वी ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारा सिस्टम ले लेते हैं विच इज ऑल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी बी विच हैज वेलोसिटी वी बी, है ना, which has a velocity vb with respect to the ground, which also have velocity vb with respect to the ground. ठीक है, now अब हम बात करते हैं कि का relative velocity from a to b, है ना, in ab का relative velocity क्या होगा, है ना. मान लो आपका ऑब्जर्वर इज बी कार में है, सपोज ऑब्जर्वर इज इन बी कार, द रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस केस, है ना, द रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस केस आपका क्या होगा, दैट इज वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, है ना, माइनस बी. हाँ, अगर हमारा ऑब्जर्वर बी में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ए बी VA minus VB, है ना? ठीक है. पॉइंट आपको डिफाइन करेंगे, है ना? तो ये VAB हो गया the velocity of car A with respect to B. VAB is the velocity here. VAB is defined as the velocity of car A with respect to ये पॉइंट हो गया. तो ये हो गया आपका कि हमने इसको डिफाइन किया वी ए बी से. ठीक है, नाउ इसको हम थोड़ा एक प्रॉब्लम करते हैं, उससे आप ज्यादा समझेंगे, इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे ना. सिंपल है फॉर्मूला, इसमें आपको कुछ नॉर्मल कॉमन सेंस ही लगाना, इसमें इट्स नॉट ए फॉर्मूला ना, कि सिंपल आपने जैसे विजुलाइज करके देखा था कि आपका ये ट्रेन का जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपके उसमें एड हो गया था, और आपका अगर ये दुपोतार अगर डिफरेंट है ना, तो उसके हिसाब से हम तो एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं इसमें, दिस कि टू ट्रेन्स, यानी दो ट्रेन, टू ट्रेन्स ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए एंड बी मूव ऑन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, parallel straight lines line with velocity with velocity 50 km/h and 50 km/h in north. Okay, and 30 km/h in south, opposite direction में जा रही है. So आपको निकालना है, the first thing हम इसमें देखते हैं, the first thing हम इसमें निकालते हैं, the velocity of train A
velocity of train A with respect to B. Respect to B, है ना? अब A का आपका velocity तो formula वही रहेगा आपका, कितना हो गया? V of AB is equals to is equal to VA minus V of B minus VB, है ना? तो कितना हो गया आपका? It is like 50 plus 30. हाँ, 50 plus 30. Why? Because अब आप देख रहे हैं ना, they are in different जो train B है, it is traveling in the south direction, so that's opposite. A which has a velocity 50 and which B which has 30, they are in opposite direction. तो अगर उनको same मिले गया, तो it's 50 minus का minus 30, then it will give you 50 plus 30. 80 kilometer power. Now second part is का again the velocity of train B. है ना, अब आपका A में observe है, velocity of ऑब्जर्व बदल गया ना, आपने वाले ऑब्जर्व को ए में बिठा दिया. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हां तो यहां पे भी अगेन यानी वी ऑफ बी ए निकालना है. वो क्या निकालना है इस बार? वी ऑफ बी ए. वी ऑफ बी ए तो वो आपका बी ए माइनस, तो माइनस 80 आ जाएगा आंसर. एग्जैक्टली, यानी वी ऑफ बी ए इज योर वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए. V of B, you know, already 30 and is minus 50, then it's minus. है ना? तो ये आपका expression हो गया. Again, अब हम ये देख लें कि इस case के लिए अगर आपका velocity इस तरीके से defined है, मतलब relative velocity defined as your V of AB is equals to V of A minus V of B. If relative velocity is defined like this, then we can also define the relative displacement, which is relative displacement or and relative acceleration. You know, so relative displacement is defined as relative displacement. वो हो गया आपका, यानी अगर आप s of AB दिखाएंगे, AB, then it's s of A minus s of B. You know. हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन, दिस इज अगेन यानी ए ऑफ ए बी, क्योंकि आपका ये इक्वल तरीके से है ना, ए ऑफ बी. तो इस पे जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी पे आता है, वैसे ट्रेन का एक क्वेश्चन आता है बहुत इसमें, है ना? तो ये एक थोड़ा रिलेटिव मोशन पे हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है? तो इस पे एक छोटा सा चाहे तो एक प्रॉब्लम और कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया. एक मिनट, तो नेक्स्ट जब हम करते हैं इस पे बेस्ड, एक प्रॉब्लम है. ए मंकी इज रनिंग, ए मंकी फटाफट लिख देता हूँ मैं, ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर, विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर आवर, ठीक है. कैलकुलेट, हमें उसका निकालना है, आपने कैलकुलेट द रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, है ना? कैलकुलेट मंकी का हमें जो निकालना है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड ग्राउंड से वेलोसिटी जो ट्रेन का है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये गिवन है, ओके, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? और ये आपका मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है वेलोसिटी. कितना हो जाएगा मंकी का जो हमें निकालना है? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. हाँ, तो अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज योर वेलोसिटी ऑफ
मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, माइनस कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना. तो मंकी का ये वेलोसिटी में गिवन है दैट इज 10 है ना, और मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालना है, और ये हमको गिवन है ये कितना हो गया 50. तो मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया दैट इज 50 प्लस 10 वही जो हमने एग्जांपल अभी देखा था. तो इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मंकी कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है. या हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप सही कह रहे, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होगा इसमें है ना. हाँ तो अगर इन अ सिचुएशन जब वो आपका कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो हम अज्यूम करें फॉरवर्ड डायरेक्शन है. हाँ अभी तो फॉरवर्ड हम लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है ना. तो द क्वेश्चन इज मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट. तो इसमें ये तो अभी नहीं दिया है, तो इसमें हम फिर फॉरवर्ड ही अज्यूम करेंगे ना, ये फॉरवर्ड है क्योंकि फिर वो आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, है ना. तो अगली कंडीशन भी लेके देख लेते हैं, अगर नेगेटिव लेंगे तो आपका फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन वी विल गेट -40 मतलब हाँ माइनस 40 तो इस तरह वेलोसिटी मिलेगा. अब ये क्वेश्चन हो गया. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हम और करते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे है. एक वो प्रॉब्लम है आपका है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन है या द क्वेश्चन इज अपना थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें. वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी हमें गिवन है अल्फा रूट एक्स ठीक है, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, अल्फा इज ए कांस्टेंट ठीक है. एंड नाउ टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो योर पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू ठीक है. आप कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वन इज टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी. तो आपको वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये हमें कैलकुलेट करना है, यही पॉइंट कैलकुलेट ना, दूसरा पॉइंट तो ये वो छोड़ देते हैं. तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको फंक्शन दिया है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे है ना. तो इसमें हमें जैसे हमने अभी तो लास्ट पे क्वेश्चन किया था इस पे ऐसे ही, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम डिफरेंशिएट करके अपना वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसमें तो इसको हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि v is equals to alpha under root x है. तो अब dx by dt is equal to dx over dt is equal to x. तो ये आपका हो जाएगा dx is equals to it's alpha root x into t to dt है ना. तो ये आपका हम इंडिकेट करना है, ये आपका स्टार्ट हुआ 0 to x, ये आपका इधर इंटीग्रेट हो गया ठीक है. पार्ट तो ये पूरा नहीं है, इसको ये स्टेप एक मिनट स्टेप में थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते स्टेप पे या तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप इज नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स रॉन्ग, इसको काट देते हैं. देखिए dx ओवर अंडर रूट x इज इक्वल टू अल्फा dt, ये करेक्ट है. नाउ इंटीग्रेट वी बोथ साइड then we get है ना, and our next step we get x integration of x e power minus 1 by 2 into dx into 0 to x. now we can apply integration x into 0 to dt ठीक है. इसको इंटीग्रेट कर दें अपने फर्स्ट पार्ट को, तो ये हमको कितना देगा है ना, ये हमको देगा क्या का फार्मूला, 1 अपॉन n plus 1 x की पावर n प्लस वन, इनको लिमिट पुट कर दें, जीरो टू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी जीरो टू टी
यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ से 1/2 यानी 2 into x की पावर 1/2 is equals to alpha into t. हमको क्या मिल गया, what we get x, x की पावर your 1/2 is equals to alpha t by 2. So from here you get x is equals to alpha square t square by 2. Sorry, 4. तो आपको x मिल गया from this equation, you get x as a function of t. As a function of t. तो जब x function, अब इसे velocity कैसे निकालने, बताइए कैसे हम इसको velocity निकालें. Velocity में पूछा गया ना t का function, कैसे निकालेंगे velocity. अब आपको यहाँ से तो x मिल गया आपको. पूछा आपसे velocity क्या, तो कैसे निकालेंगे. अब अभी d of जो निकाला है वो is equal to का वेलोसिटी आ जाएगा उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नहीं मतलब क्या करें, कैसे डिफरेंशिएट अगर करेंगे हम इसे विद रिस्पेक्ट टू टी. हाँ ठीक है, अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे मींस डीएक्स ओवर डीटी, देन यू विल गेट क्या मिलेगा आपको, 2 अल्फा स्क्वायर टी बाय 4 यानी 2 अल्फा स्क्वायर टी बाय 2 ना, दिस विल बी वेलोसिटी. बट एक और वे भी है जिससे आप वेलोसिटी आपको मिल सकता है, वो वे है कि आप सीधा ये वैल्यू भी पुट कर दें उसमें. आपका v इक्वल्स टू कितना है, अल्फा रूट x है ना. यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि फंक्शन आपका गिवन है, इट्स अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 का पावर 1/2, देन यू विल गेट अल्फा इनटू अल्फा टी बाय 2. यू विल अगेन गेट अल्फा स्क्वायर टी बाय 2. यहाँ से भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट मिल जाएगा. और इसको हम जब नेक्स्ट टाइम एक और बार डिफरेंशिएट करें, देन यू विल हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट एक्सेलरेशन है ना. ए इक्वल्स टू कितना हो गया, इट्स अल्फा एक्सेलरेशन. दिस इज ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि टी का फंक्शन है, फिर उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके आप वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है. ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया. तो इसमें मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिए है ना, इस टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर. तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, तो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं, दैट्स रिगार्डिंग फोर्स. यानी अब तक हमने देख लिया भाई, अपने मोशन को तो देख लिया कि ये आपका बॉडी कैसे मूव करता है. आपने देख लिया कि भाई मोशन, आपने कोई बॉडी है मूव कर रहा है ना, ये मोशन आपने देख लिया कि इन ए स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज इन स्ट्रेट लाइन. और किसमें देख लिया आपने, इन अ प्लेन, डायमेंशनल प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव करे. इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है प्लेन के लिए, पैराबोला. पैराबोला एक एक्सिस एक्स है, एक एक्सिस आपका वाई है. अगर कोई पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, एक तो आपका सिंगल एक्सिस में मूव कर रहा है यानी एक एक डायरेक्शन में, एंगल बना रहा है इस एंगल में, एंगल. अब बात आती है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कि व्हाट कॉजेस मोशन, कॉजेस मोशन, हाँ मोशन कॉज होता क्यों है भाई, इसके लिए क्या रिस्पांसिबल चीज है कि ये मोशन के लिए है ना, व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग टू रिस्पांस फॉर रिस्पांसिबल फॉर मोशन. तो वो फंडामेंटल चीज क्या है जिसके लिए मोशन एग्जिस्ट करता है ना, एक्सटर्नल फोर्स. Exactly. If you apply some external force, then you will get a motion. Yeah, acceleration के लिए आपका fundamental cause है, that is we call external force. तो अगर force के बारे में बात करें, यानी force आप जान गए कि fundamental thing force है, जो कि बहुत ही responsible है for your motion. Then what kind of force आपको nature में देखने को मिलते हैं? Contact and non-contact forces. बताया कि contact and non-contact. Contact, ठीक है, and non-contact. Non-contact. अपने दो type के force categorize करिए कि जो contact के में और non-contact में. तो फिर आपने अगर ये force define किया, तो इसमें हम फिर इन forces को कैसे categorize करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर मैं gravitational force को रखना चाहूँ, तो वो फिर कहाँ पे आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स.
नॉन कॉन्टेक्ट क्लोज, क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, दो बॉडी आपका इंटरेक्ट नहीं कर रही है ना, तो आप इस तरीके से डिफाइन। बट फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें, मतलब फंडामेंटल फोर्स में अगर फंडामेंटल फोर्सेस की अगर बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ फोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल फोर्स जो कि जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि अब आप नॉन कॉन्टेक्ट में आपके दो फोर्स आ गए, एक तो ग्रेविटी भी आ गया और दूसरा आपका मैग्नेटिक, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ गया। तो अब इसमें आपका कैटेगराइजेशन थोड़ा सा इतना मतलब इसमें क्लियर नहीं है कि मतलब दो मैं हम रेंज के बेसिस पे अगर फोर्सेस को डिफाइन करें, है ना, क्योंकि फोर्सेस तो आपके फिर कई टाइप के हैं, है ना, जैसे कि थोड़ा अगर एक तो आपके हो गए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोर्स, जिसमें आप देख रहे हो कि ईएम और योर यू नो ग्रेविटेशन, बट सम फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी एटॉमिक लेवल वीक एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, हां वीक एंड स्ट्रांग। तो फंडामेंटल फोर्सेस अगर बात करें तो फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड वन इज अवर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एंड द फोर्थ वन, फोर्थ क्या है, वीक, एग्जैक्टली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, नो दैट्स एक्चुअली उनको न्यूक्लियर नहीं कहते, वीक फोर्सेस इज दैट थिंग, ओके, क्योंकि ये न्यूक्लियर के मतलब में इसका इतना वो नहीं रहता। तो आपके ये दो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप साइंस सिलेबस के हिसाब से तो ग्रेविटेशनल ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग और वीक का आपका सिलेबस में नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना, ताकि फिर हम फोर्स पे अगला अपना जो आपका फोर्स है, जबकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वो हम फिर स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, देन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास, ओह इसका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या हो गया आपका, यानी एक मास आपका ये है, और एक मास है, then they will apply some force on each other, then they will apply some force on each other, and the thing about this force is it's attractive one, it's attractive force, yeah. इसका आपका magnitude है आपका, जबकि force is proportional to m1, यानी का m लेने इसका m2 लेने, m1 m2 y distance between two particles r2, this is about तो इसमें ये point बहुत important है कि this force is attractive only, attractive, इसमें कोई repulsion नहीं है, and this force due to your mass of the object, है ना, ये हो गया, ये point हो गया आपके force के, gravitational force के। Now next thing, अब हम थोड़ा सा electromagnetic force का थोड़ा सा discussion करेंगे, क्योंकि electromagnetic force हमारे लिए important है, न्यूटन्स लॉ जब हम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इसमें मास था तो ये पहुंचा, जैसे कि आप जब हुआ ये कि कुछ आप जब कई सारे एक्सपेरिमेंट के सबसे पहले इसका स्टार्ट किसको सबसे पहले फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने मतलब चार्जेस का स्टडी किया था, एक रॉड को उन्होंने ग्लास रॉड को एक वूलन पे जब रब किया उन्होंने, then it gets some attraction, it gets some charges, it charge ho gaya, hai na, some attractive behavior or repulsive, par aapko isme electromagnetic force mein attractive ke sath sath kya milega, repulsive behavior bhi dekhne ko milega, yani do charge aapke if they have same charge then they will repel each other, and if the two charges are opposite charge then they will attract each other, attract, hai na, in the beach attraction ka force hoga,
तो पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और तो मेरा क्वेश्चन अभी है ना स्ट्रॉन्ग और उसकी बात नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप का फोर्स? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल, ये कैसे कौन सा? मतलब ये जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस हमने, ये फोर है फंडामेंटल, इनका ये बहुत ही फंडामेंटल है, इनका आपस में इनमें कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज फोर्सेस, दैट्स एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी, कि चारों फोर्स मिला के एक ऐसा फोर्स बनाया जाए जो कि फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल फोर्स हो, जिसको हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए, बट दीज फोर फोर्सेज आर फंडामेंटल। तो माई क्वेश्चन इज, अब अगर यही चार फंडामेंटल है तो ये फ्रिक्शन कहाँ पे आता है इन चारों में, फ्रिक्शन कहाँ पे आता है? तो ध्यान से देखें, अगर फ्रिक्शन की हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि एक सरफेस पे आपका कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन में। तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे से क्या हो रही है ना, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को डैमेज कर रही है। तो इन दोनों सरफेस के, यानी हाथ आप ऐसे से जब रब कर रहे हैं तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे को क्या कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक दूसरे पे मॉलिक्यूल्स और एटम्स का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आपका ये मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो आपका है दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, बहुत ही एटॉमिक लेवल पे इनमें फ्रैक्शन पे चेंज आ रहा है, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वहां पे उसके एटम्स में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना, उसके एटम दोनों के एटम्स में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसी तरह तो फ्रिक्शन फोर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फ्रिक्शन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड द सेम थिंग, अगर आप किसी रोप में कोई बड़ा सा ब्लॉक आप इसमें से लगा दें, देन इन दिस केस दिस रोप विल गेट स्ट्रेस्ड, दिस रोप विल गेट स्ट्रेस्ड, ओके, द एटम ऑफ रोप गेट स्ट्रेस्ड बाय ए फोर्स व्हिच वी कॉल टेंशन। तो ये भी एक टाइप का फोर्स है, टेंशन फोर्स, यानी इसमें ग्रेविटेशनल, टेंशन फोर्स इज आल्सो, टेंशन फोर्स इज आल्सो क्या हो गया, ये आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसके जो एटम्स हैं इस रोप के, दैट आल्सो गेट स्ट्रेस्ड बाय दिस ग्रेविटेशनल मास, यानी mg की वजह से क्या हो रहा है, यू विल एक्सपीरियंस ए टेंशन फोर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस रोप, वेरी फ्रैक्शनल लेंथ, यानी इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये लेंथ आई कहाँ से, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इन योर, इन योर क्या बोलते हैं इसका, एटम्स, एटम्स ऑफ योर रूम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। में ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, कि एक तो आपका ये टेंशन का फोर्स जिसका हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, और एक आपका फोर्स जो आपका क्या बोलते हैं आपकी टेंशन फोर्स, एंड नेक्स्ट योर फ्रिक्शन फोर्स लिख दूंगा। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्रिक्शन हो गया और ये टेंशन, एंड एक और भी फोर्स बचा है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, है ना, यानी अगर आप किसी स्प्रिंग को किसी ब्लॉक से कनेक्ट कर दें एंड इफ इसको स्ट्रेस करके हम इसको छोड़ दें, देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो इस स्प्रिंग का जो इसमें जो लग रहा है फोर्स, दैट ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये स्प्रिंग के मेटल पे डिपेंड करेगा और इनके एटम्स का और इसका जो शेप है, है ना, तो इट विल आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसको हम हुक्स लॉ में स्टडी करेंगे ब्रीफली, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने फोर्स का आइडिया दिया आपको, कि व्हाट इज, व्हाट आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस, एंड ये जो फोर्स आपको देखने को स्टडी करेंगे हम, उनमें ये कौन कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट आल्सो टोटली बेस्ड ऑन फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ पे रहेगा, कि फोर्स है ना, न्यूटन्स लॉ, ओके ओके सर, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं, ओके। Good night, sir. Okay, good night.